खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस। स्वामी सत्संग ब्यास बरेली नैनीताल रोड पर स्थित ये रजिस्टर सोसाइटी डेरा बाबा जैमल सिंह के तत्वावधान में लगातार प्रयासरत है गरीबों और असहाय लोगों के लिए खाने पीने व रुकने का पूर्णतया प्रबंध मुहैया कराया जाए। प्रशासन की अनुमति व सूचना के अनुसार यहाँ प्रतिदिन 2000 से 2500 पैक लंच, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग खाना परोसा जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के तत्वावधान में पूरी सब्जी, रोटी सब्जी, राजमा चावल आदि अलग अलग तरीके के पकवान प्रतिदिन, जैसा कि प्रशासन से आदेश मिलता है, अलग अलग स्थानों पर प्रशासन के द्वारा, जैसे कि थाना प्रेम नगर, बारादरी, सीवीगंज आदि में मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही सेवादारों में खाना बनाते समय साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है व सामाजिक दूरी के मद्देनजर रखते हुए ही सेवा प्रदान की जा रही है। यहाँ के प्रबंधक क्षेत्रीय सचिव कपिल छाबड़ा, बरेली सचिव राजेश नैलानी व मौजूद सेवादारों का कहना है कि बाबा जी के आदेश अनुसार हम जब तक लॉकडाउन स्थिति बरकरार रहेगी, प्रशासन को सत्संग घर के द्वारा हर तरीके की मदद करने के लिए सदैव तैयार हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी ने बताया, जो हुकुम की सेवा है यहाँ पे, उसके हिसाब से हम सेवा यहाँ चला रहे हैं पैक लंच की। और विभिन्न क्षेत्रों में हम जो भी यहाँ पे तकलीफ में हैं लोग, या विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे खाने पे या चौकी पे पैक लंच मांगने के लिए, गरीब लोग हैं, तबके के लोग, उनके लिए हमने पैकिंग व्यवस्था चलाई है। ये कब से चल रहा है? ये 2 अप्रैल से चल रहा है। 2 अप्रैल से हम ये लगातार 2000 पैक लंच से ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में बांट रहे हैं। और ये जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा? जब हाँ जी जब तक ये लॉकडाउन चलेगा सरकार की तरफ से 3 मई तक का है, तब तक हम सब पैकेज बांटते रहेंगे बनाते। यहाँ पर हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक हम लोग सेवा करते हैं। जितने भी यहाँ हैं सब सेवादार हैं, पूरा मास्क टैप जिस चीज़ का भी सवाल रखना पड़ता है ध्यान, उसका रखते हुए हम लोग करीब 2000 से ऊपर लंच पैक तैयार करते हैं और जहाँ जहाँ पर वितरण होता है, मांगा जाता है, वहाँ वहाँ पर वितरण कराया जाता है। इसमें किसी का स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ सेवा हो रही है। राधा स्वामी सत्संग व्यास बहेड़ी ने खोले सेवा के लिए सत्संग भवन के द्वार, यहाँ पर हाईवे से गुजरने वाले प्रवासी भारतीयों के ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई। वहीं सत्संग भवन में रोजेदारों के लिए सारे इंतजाम किए गए। इबादत के पाक महीने रमजान में रोजेदारों ने शाम को नवाज अदा करके अपने रोजे का इफ्तार किया। सनोवरी देवी, कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग सुल्तानपुर पट्टी से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगी? लखीमपुर खीरी। अभी जैसे आप राधा स्वामी सत्संग के एक आश्रम में हैं, यहाँ पर आप व्यवस्थाओं के विषय में क्या कहना चाहती हैं? इसमें हम लोगों को सब कुछ अच्छा मिलता है। क्या क्या मिलता है सुबह शाम? सुबह आज चाय, पराठे और अचार मिला, और दोपहर को फिर रोटी, चावल, सब्जी, सलाद। क्या नाम है सर आपका? राजवीर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? यहाँ पे सर बाबा जी के हुक्म के अनुसार सेवा चलाई जा रही है, जिसमें हम गरीब लोगों के लिए जिनको खाने को नहीं मिल रहा है उनको पैक लंच की सेवा मुहैया करा रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे सरकार की तरफ से एक शेल्टर हाउस बनाया गया है जिसमें तकरीबन 60 लोग रुके हैं। उसमें कुछ लोग तो मैं परिवार के हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो हमारे सेक्रेटरी साहब कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो हमारे यहाँ के प्रबंधक सेवादार जी हैं, वो सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों का भी ख्याल पूरा रखा जा सके और खाने पीने की सुविधा भी अच्छे से अच्छी कराई जा सके। रोज़ तकरीबन SDM साहब का, CO साहब का और तहसीलदार साहब का दौरा भी होता है, जो सारी सब सुविधाओं जो हम दे रहे हैं उसको चेक भी करते हैं। बाबा जी के हुक्म के अनुसार हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। सर, किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं प्रवासियों को? ये खाने की, पानी वानी व्यवस्था, पंखा वंखा सब चीज़ यहाँ। दिन में कितनी बार मतलब खाने की व्यवस्था दी जा रही है? दिन में 2 बार खाना खिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, शाम के टाइम एक बार कोई फल वगैरह। लगभग कहाँ कहाँ से प्रवासी आए हुए हैं यहाँ पर? यूपी सब उत्तराखंड के? सब उत्तराखंड के आए हुए हैं। उत्तराखंड से आए हैं और उत्तर प्रदेश के। लगभग कितने दिन से यहाँ पर तो ये परसों के रात के जाते 3 तारीख से चल रहा है प्रोग्राम, जो आ रही है गाड़ी से उनको भेजते रहते हैं, जब आदमी इकट्ठे हो गाड़ी के हिसाब से हो जाते हैं भेजते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगभग कितने समय से कितने बजे तक आप लोगों का वो मतलब व्यवस्थाएं चलती रहती हैं?
पूरी रात चलते रहते हैं, रात दिन आदमी बदलते रहते हैं। आपका मस्तराम जी, कहाँ से आए आप? बहराइच जाना चाहते हैं। पिथौरागढ़ से आए हैं। किस साधन से आए पिथौरागढ़ से? उधर तो मैक्स था वो जी। रास्ते में आते समय क्या क्या आपको प्राप्त हुआ, कहाँ कहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं रहीं, और वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हो यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे सर जी ठीक है, खटीमा में था वहाँ भी ठीक था, स्कूल में था, रुद्रपुर गया, रुद्रपुर से रिफर कर दिए, फिर हम लोग बहेली आए, बहेली में 3 दिन हो गया है, 3 दिन से ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों की मांग है घर जाने की मांग जी। पूरा शहर कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन है, ऐसे में अगर आपकी दवाई या राशन की दुकान है और आप मदद करना चाहते हैं तो www.lockdownseva.in के जरिए फ्री में रजिस्टर करवा के लोगों को जरूरत की दवाइयां या राशन भिजवा सकते हैं। यही नहीं, ग्राहक भी www.lockdownseva.in से जरूरी सामान घर पर मंगवा सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।